नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के शुरू में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2018 से जुड़े कब आएगी आंसर की। दोस्तों, सीटेट 2018 के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपके अभी तक आंसर की क्यों नहीं आई है दोस्तों, जबकि बोर्ड ने कहा था कि हम 21 दिसंबर को शाम को 6 से 8 बजे के बीच में ही सीटेट की आंसर की जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। आज 26 दिसंबर हो रही है दोस्तों और अभी तक आंसर की जारी नहीं की गई है दोस्तों। अब बोर्ड का क्या कहना है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब आपके आंसर की कब तक आने वाली है, आज के इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साइड में आए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको सीटेट 2018 से जुड़े वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब आंसर की कब आने वाली है ये पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में अंत तक मिल जाएगी, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं आंसर की कब आने वाली है। मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ, न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कब जारी होगी दोस्तों, यहाँ पर जल्द जारी होगी इन्होंने कहा है, और कहाँ पर रिलीज होगी ये बता देता हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले बोर्ड ने पुष्टि के अनुसार बताया था, एक बता दूं मैं आपको, सूत्रों के मुताबिक हमें खबर मिली थी कि अगले सप्ताह यानी उस टाइम था 16 दिसंबर या 17 दिसंबर, तो उस टाइम कहा गया था कि आपके आंसर की अगले सप्ताह यानी 21 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था। 21 दिसंबर की शाम को वेट का इंतज़ार रहा था स्टूडेंट्स के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 21 दिसंबर को जारी नहीं की गई। लेकिन दोस्तों, अब बात रही थी 22 दिसंबर को आ सकती थी, लेकिन 22 दिसंबर को भी जारी नहीं की गई, और अब आज 26 दिसंबर को भी जारी नहीं की गई है दोस्तों। अब कब जारी की जाएगी ये बता दूंगा लास्ट में, तो बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है हम पढ़ लेते हैं। सीटेट आंसर की, CBSE जल्द ही सीटेट 2018 परीक्षा के आंसर की जारी कर सकता है दोस्तों। इन्होंने अभी भी कहा है कि जारी कर सकता है दोस्तों। पहले इन्होंने बोर्ड के अनुसार बता दिया था कि 21 दिसंबर को ही जारी कर दी जाएगी दोस्तों। पहले वाली अगर खबर नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पर जाइए, चैनल पर वो पूरी खबर आपको मिल जाएगी दोस्तों। आगे पढ़ लेते हैं हम इन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने अभी इसके लिए कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन अटकल है कि कुछ दिनों में आंसर की जारी कर दी जाएगी दोस्तों। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि इस दिन जारी कर, लेकिन बता दूं कि कुछ दिनों के भीतर ही आपके जारी कर दी जाएगी, यानी कुछ दिन यानी बहुत ही कम, यानी 5 से 7 दिन के भीतर ही आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी। जैसे ही आंसर की जारी की जाएगी दोस्तों, आपको हमारा चैनल सबसे पहले अपडेट दे देगा, इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। सीटेट 2018 परीक्षा आंसर की आधिकारिक वेबसाइट CTET.NIC.in पर जारी की जाएगी। इसकी जानकारी के लिए CBSE.NIC.in पर भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, हमें इस खबर में यही जानकारी मिल रही है कि जो 21 दिसंबर को जारी की जाने वाली थी वो नहीं हुई दोस्तों। और उसके बाद अब बात कर लूँ मैं कि आंसर की, तो आंसर की इन्होंने कहा है कि उस दिनों के भीतर ही दोस्तों। उसके बाद अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ देखने को नहीं मिली है दोस्तों। तो अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं देखने को मिली है, लेकिन बोर्ड ने जो पहले कहा था कि हम 21 दिसंबर को जारी कर देंगे, लेकिन कुछ कारणवश वो जारी नहीं कर पाए। यह हो सकता है दोस्तों उनके द्वारा आंसर की देखी गई, लेकिन UPTET की तरह ही, आपने UPTET का अभी मामला सुना ही होगा दोस्तों। तो UPTET में वहाँ पर आंसर की में गड़बड़ियां देखने को मिली है दोस्तों, इसी कारण सीटेट की आंसर की वापस चेक कर दी जाएगी, क्योंकि ये CBSE है दोस्तों। वो ये CBSE में पूरी तरीके से एकदम कड़े तरीके से चेक की जाती है, उसके बाद ही आपके जारी की जाती है। कोई भी न्यूज़ होती है CBSE सब तरीके से जांच परख के ही देती है दोस्तों, ये CBSE का एक खासियत है। इसलिए CBSE पहले आंसर की को पूरी तरीके से चेक करेगा दोस्तों, 2-3 बार विशेषज्ञों के द्वारा चेक करवाएगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, उसके बाद आपको आंसर की मिलेगी। लेकिन दोस्तों, पहले उन्होंने कहा था कि हम 21 दिसंबर को जारी कर देंगे, तो उनके पीछे कारण था कि उन्होंने सोचा कि हमारी पूरी तैयार तो हो गई दोस्तों, तो अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अब मामला देखने के बाद CBSE को लगा कि ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए वो वापस चेक करेंगे अब आपके आंसर की, और आंसर की वापस चेक करने के बाद अब बोर्ड थोड़े दिनों में 2 से 3 दिनों के भीतर ही आपको डेट दे देगा कि इस दिन आंसर की आ जाएगी दोस्तों। जैसे ही आंसर की आएगी, सबसे पहले चैनल आपका हमारे ही अपडेट दे देगा, इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, और साथ ही इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।